Alright guys, welcome back to the new vlog, new car moto vlogging. तो हमारा टाइम कितना हो रहा है, टाइम देख लेते हैं सबसे पहले भाई. इस वक्त गाइस 5:38 PM हो रहे हैं, 6 अप्रैल आज. और हम जा रहे हैं आज कहीं घूमने के लिए, मतलब वैसे कार राइड पे निकले हैं. तो आई गेस मेरे को दो कमेंट्स आई थी. एक पर तो चलो मैं वीडियो बना रहा हूँ. एक मतलब बच्चे ने पूछा था कि आपकी कलर कार का कलर क्या है, तो हमारी कार का कलर मैग्मा ग्रे है भाई, मैग्मा ग्रे. ठीक है, यही मेरे हिसाब से यही नाम है इसका, बाकी मैं चेक करके बता दूंगा. बट हमारी जो कार का मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैग्मा ग्रे ही है मेरे हिसाब से इस कलर का नाम. तो अभी जो है जुड़ जाओ हमारे साथ और हमारे छोटू के साथ. हेलो गाइस, तो हमारा जो छोटू है ये यहाँ पे आपसे बातें करना चाह रहा है भाई छोटू. हैं तो अभी जो है हमेशा की तरह वही रूट, वही गलियाँ, सब कुछ वही, सेम रूट, सेम रोड्स बट डिफरेंट सिचुएशंस, सेम रोड्स विद डिफरेंट सिचुएशंस. थोड़ा पीछे कर लेते हैं भाई, धूप बहुत ज़्यादा है. मतलब अगर मैं इस साइड को जाऊंगा ना तो सूरज सीधे आंखों में पड़ता है. इस वक्त मैं पैरेलल चल रहा हूँ सूरज की रोशनी के, विच आई फील लाइक वेरी 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 लाइक इंटरेस्टिंग और वेरी क्या कहूँ, आंखों के लिए बहुत बढ़िया. तो गुड फॉर आइज. तो अभी यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं भाई तेजी तेजी से. बेसिकली क्या है कि आज जो है आज मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ अपना व्लॉग शूट करना. तो गाइज आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, जैसे भी आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो आपको हम बताते रहेंगे. तो अभी वो जो सर एक थे हमारे, वो कह रहे हैं कि सर आप हमको ये बताइए कि क्या कहते हैं इसका, वो कैसे करते हैं, जो स्टेयरिंग का हैंडलिंग होती है वो कैसे. तो सर वो कुछ इस तरह से है हैंडलिंग स्टेयरिंग की, अभी आपने देख रहे हो जैसे मैं स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ, पर जब भी ये स्पीड के अकॉर्डिंग होता है, जब भी आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है तो आप ऐसे स्टेयरिंग को नहीं घुमा सकते जैसे भी मैं घुमा रहा हूँ, समझ रहे हो. उस वक्त छोटा सा भी आपने स्टेयरिंग को ऐसे कर दिया ना, छोटा सा भी ऐसे कर दिया तो कार बहुत ज़्यादा मतलब कट काटती है. मतलब आप ऐसे लगा लो कि एक लेन से दूसरी लेन में जाने में टाइम नहीं लगेगा कार को आपकी, अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में है, बहुत ज़्यादा जैसे आप आराम 100+ या 80+ है तो ऐसा होगा. तो पहले तो फास्ट ड्राइविंग करने का कोई मतलब मोटिव मेरे को तो नहीं दिखता कोई मोटिव या कोई फ़ायदा, अंटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ नीड. और एक नॉर्मल बंदे की लाइफ में फास्ट ड्राइविंग की क्या नीड होती है, क्या नीड होती है बताऊँ. मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट केसेस यही रहते हैं कि आप ट्रैफिक में फंस गए बस. वो देखो मेरे को टिपर मार रही है, देखो साइड नहीं हटा जाता, तो समझ रहे हो आप. तो ये वाला कलर है जिसने भी वो कहा था, सेम कलर. तो अभी जो है हम यहाँ से निकलते हैं. हेलो मिस्टर, तो अभी मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कि ठीक ठाक सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता, क्योंकि अभी तो यार अपना चैनल बहुत ही ज़्यादा छोटा है. मेरे को मतलब जो मैंने यूट्यूब का एल्गोरिथम है, जितना भी मैंने स्टडी कराया, जितना भी मुझे समझ में आया यूट्यूब का एल्गोरिथम, उसको समझ गया. मेरे को जो चीज़ पता लग रही है वो चीज़ यही है कि इट्स अ जर्नी. तुम्हारे चैनल की भी ये ना एक जर्नी होती है जो मतलब तुम लोगों तक पहुँच रहे हो. जैसे मतलब एक पर्टिकुलर मतलब लोगों तक तुम पहुंचे, किस जिसको पसंद आया बार बार उसके घर पे दस्तक दी जाएगी तुम्हारे चैनल की, ठीक है यूट्यूब की तरफ से. जिसको तुम्हारा चैनल पसंद नहीं आया उसके घर से उसको दस्तक नहीं दी जाएगी तुम्हारे चैनल की. सो दिस इज हाउ दिस थिंग इज डन और दिस थिंग इज बीइंग लाइक हैपनिंग ऑन यूट्यूब. मतलब जो 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 मेरे को समझ में आया उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ. ऐसे तो भाई कुछ भी करो तुम, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है ना. तो चलो कुछ नहीं आ रहा लगभग साइड में, क्योंकि हमने अपनी लेन में मोड़ लेना. तो गाइस किसी दिन हम जो हैं, ओ भाई साहब यार ये बड़ा गलत है यार, तुम लॉन्ग रॉन्ग लेन से आते हो तो भाई मतलब ये लेन वाला तो फंस ही गया, पानी छोड़ दिया उन्होंने. तो किसी दिन हम जाएंगे यहाँ पे और आपको दिखाएंगे कि भाई कितना मज़ा आता है वहाँ नहर में पानी मतलब पैर डाल करो, ठंडा ठंडा चिल्ड वाटर होता है एकदम चिल्ड, इतना ठंडा पानी होता है इस नहर का और ऑब्वियसली सारी नहर का होगा. तो अभी हम यहाँ से निकाल लेते हैं भाई तेजी तेजी से, क्योंकि अभी हमको जल्दी जल्दी घर भी जाना है, ठीक है ना.
तो मैं बस ब्लॉग बनाने के लिए निकला था, फिर उसके बाद मैं एडिटिंग करके वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो गाइज अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो आप पहली बार ही देख रहे हो। अगर आप तक ये चैनल पहुंचा है हमारा और आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयर, क्योंकि विद टाइम बींग आई विल ट्राई न्यू स्टफ। मैंने ना जो स्टफ़ है उसे ट्राई करता रहूँगा और कॉन्टेंट आता रहूँगा। मैं घूमूंगा इंडिया और जहाँ जहाँ भी मैं जा सका मैं उसको कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करके कैप्चर करके डाल दूंगा। तो बेसिकली मेरी जो कोशिश है वो है कार मोटर ब्लॉगिंग विद एक्सप्लोरिंग ब्यूटीफुल प्लेसेस है और यू कैन से एक्सप्लोरिंग द हेवन ऑन अर्थ जो उस परमात्मा ने बना रखा है। तो बस यही अपना आप कह सकते हो कि थिंग है या फिर चीज़ है जो हमें करनी है। तो ठीक है अभी हाँ वो भाई साहब आंटी डराओ मत यार। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और भाई साहब पीछे बरेजा आ रही है बरेजा, बट मैं अपनी लेन चेंज नहीं कर सकता जैसे आप देख सकते हो कि वहाँ पे फोटो है। ठीक है ना छोटू? हाँ ठीक है। तो छोटू वहाँ पे वो जो ऑटो है ना उस ऑटो की वजह से मैं लेन नहीं चेंज कर सकता। हाँ एकदम सही बोला तूने, पर अब हमें करनी होगी लेन चेंज क्योंकि ये जो ट्रक है इसकी स्पीड बहुत स्लो है विद रिस्पेक्ट टू आवर कार्स। तो इससे होता क्या है आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। एक होता है स्टिल ट्रैफिक, समझ रहे हो, ट्रैफिक के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टिल ट्रैफिक वो होता है जो बम्पर टू बम्पर जुड़ जाता है, ठीक है। एक होता है बम्पर टू बम्पर मतलब कि जैसे आप मतलब रुकी नहीं गाड़ियाँ, बस वो स्टिल ट्रैफिक है। एक होता है वो वाला ट्रैफिक जो तब लगता है जब आपके आगे कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड में ड्राइव कर रहा होता है और पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही हैं। जैसे ये है देख रहे हो ये मुझसे ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, मैं स्लो जा रहा हूँ, पर अगर मैं इस बंदे को जगह ना दूँ तो ये मेरे पीछे लग गया। वहीं से बिल्कुल पीछे से गाड़ियाँ आएंगी इसके भी उड़ते उड़ते आएंगी। तो वो होता है ऑन मूवमेंट ट्रैफिक आप कह सकते हो, मतलब चलता चलता जो ट्रैफिक लग गया है तो वो भी ट्रैफिक ही, मतलब गाड़ियाँ आई जा रही हैं और आपस में जुड़ गई, समझ रहे हो ना। एक होता है स्टिल ट्रैफिक, एक होता है ऑन मूवमेंट ट्रैफिक जो ऑन मूवमेंट ये जो स्लो चलते हैं ना रोड के ऊपर ये ऑन मूवमेंट ट्रैफिक मतलब लगा सकते हैं अगर इनको जगह ना मिले जो पीछे से आ रहे हैं उड़ते हुए लोग, तो बस पाइल अप होती जाएंगी कारें, पाइल अप होती जाएंगी तो बस लग गया ट्रैफिक। तो यही होता है, पर जो ऑन मूवमेंट ट्रैफिक होता है ना उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता क्या रहता है कि जैसे ही हमें रूट मिलता है ना निकलने का तो मजाक नहीं हम सीधे मतलब निकाल सकते हैं, मतलब एकदम खाली रोड हो गया आपके सामने, समझ रहे हो, खाली रोड क्योंकि रोक तो सब उसने दिया था ना। तो ये बेसिकली ये आप देख सकते हो कि ये तब होता है जब आपके सामने कोई ट्रक जा रहा हो डंपर जा रहा हो वो स्लो हुआ है और आपको अब जगह नहीं मिल रही निकलने की। ये चीज़ें होती हैं, ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना ये चीज़ें होती हैं हिमाचल में इस तरह की चीज़ें होती हैं इन हिमाचल, समझ रहे हो। तो अभी हम जो हैं उतर गए नीचे, हमने हाईवे छोड़ दिया ना छोटू। ओए छोटू हाईवे छोड़ दिया हमने। तो अभी हमने हाईवे छोड़ दिया, हाईवे छोड़ने के बाद अभी हम यहाँ से जाएंगे। तो अभी मैं मतलब आई एम प्रैक्टिसिंग, देख रहे हो लड़की है कैन डू एनीथिंग है ना, मोहतरमा कैन डू एनीथिंग। अगर हमने कुछ बोला तो भाई गलत तो हम है, फोन पर लगे हुए हैं, ये भी नहीं देखा कि राइट से कोई आ रहा है नहीं आ रहा ना, कोई मतलब ही नहीं है, बस निकाल लो। खैर छोड़ो क्या ही बातें करनी हमने इसके ऊपर क्योंकि ये बातें करने वाले टॉपिक ही नहीं होते। छोटू हम पहुंच चुके हैं डलोजी रोड पे, ठीक है छोटू। ये जो है हमारी यहाँ की डलोजी रोड है और भाई ट्रिपलिंग करना गलत बात। तो अभी यहाँ से मनाली पड़ेगा आपको 326 किलोमीटर, डलोजी है जो आपका 80 किलोमीटर और चंबा है 130 और कुल्लू पड़ेगा 286 किलोमीटर। ऑल राइट और ठीक है छोटू, ठीक है। फिर कब जा रहा घूमने के लिए छोटू, कब चलें बता। जब तू जाना चाहेगा मेरे को ले चलो साथ में। अरे यही पर तो हम फंसे हुए हैं छोटू। अरे ये भी तूने सही बोला, क्योंकि चाहता तो मैं हूँ कि मैं अभी के अभी निकल जाऊँ। अभी ये देखा यही चीज मैंने बोली थी, अब जो पीछे से आया वैसे ये आ रही है पीछे से, लग गया ट्रैफिक, ये ऑन मूवमेंट ट्रैफिक होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो स्पीड है वो डिसाइड हो जाती है उस पर्टिकुलर ट्रक की या फिर कोई भी जो गाड़ी आपके आगे है जो स्लो चल रही है
उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग। अगर वो 30 पे जा रहा है, 30 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा रोड बंद है, तो आपकी भी स्पीड तो 30 पे सेट हो जाएगी या फिर 25, समथिंग लाइक दैट। इतने में आपकी जो स्पीड है वो सेट हो जाएगी। तो अभी हम इस बार हमने जाना है सीधे सीधे। सो ऑलराइट गाइस, अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो डू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑलराइट, और छोटों की वजह तरफ से भी आपको बाय 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 गाइस।